खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। ये रुखसाना जी है जो हमारे साथ है, और मैंने जस्ट यही बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए ऑनर है, हमारे बैनर के लिए, कि इतनी सब फिल्में बनाई है, उसके बाद जो है ये सब्जेक्ट हमारे पास आया है। एंड ये बिकॉज ऑफ रुखसाना जी है, उनके हस्बैंड है कबीर जी, इन्होंने हर चीज़ जो है मतलब अपने देश के लिए और अपने उसके लिए ये काम करता है, अपना पूरा टाइम खून एनर्जी जो है ये सब अपने देश के लिए किया, और इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता जो हम लोग ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इससे बेहतर सब्जेक्ट मेरी नज़र में राइट ना हो भी नहीं सकता था, मैं अपना ही बता पाऊँ। एक लड़की, ऐसी लड़की की कहानी जो घर में एक छिपकली से भी डरती रही, और वो अपने टाइम के सबसे खतरनाक मिलिटेंट कमांडर के साथ बढ़ गई अपनी फैमिली को बचाने के लिए। इससे राइट, इससे बेहतर ब्रेव स्टोरी मुझे नहीं लगता कोई हो सकती थी। और जितना मैं स्टोरी के बारे में जानता गया, जितना और इनसे मिला, जितना समझा, तो मुझे और समझ में आया कि वहाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, क्योंकि ना सिर्फ ये एक इंसिडेंट है छोटा सा कि ये क्या किस तरह से मिलिटेंट इनके घर में घुसे, और किस तरह से इसने अपनी अपनी जान पे खेल कर एक छोटी सी कुल्हाड़ी के भरोसे में, जो मिलिटेंट्स AK-47 AK-56 से लोडेड हैं, उनके साथ अपनी फैमिली को एक वेपन से बचाया है। ये सिर्फ यहाँ तक की कहानी नहीं है, इससे पहले क्या हुआ, कहाँ से ये फिर यहाँ तक बात पहुँची, और उसके बाद ये लोग कैसे बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो अपने आप में एक फिल्म के अंदर ये जर्नी है। सर जी, आपको कैसा लगा आपके साथ फिल्म बन रही है, आपका पूरा जर्नी रहा, जो आपकी अभी तक का सफ़र रहा, आपको क्या क्या महसूस हुआ? एक्चुअली जो इस वक्त एक तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तबीयत ख़राब होने की वजह से तभी मैं हार नहीं मानती हूँ, क्योंकि कुछ पहले 2-3 मिनट में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मैं सोच रही थी कि नहीं कर पाऊँ, फिर भी मैंने अपने दिल में बहुत दिल मैंने रखा कि मैंने ये करके ही जाऊँगी अटेंड, ऐसे नहीं जाऊँगी। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हर एक इंसान सुनता है कि ये काम है वो काम है, मगर नहीं, कोई कार की दिखाए तो तब पता चलता है। अगर मैं बोलूँगी कि नहीं जी मैंने ये इतना काम कर दिया उतना काम कर दिया, वो नहीं, मगर कार की दिखाना चाहिए। ऐसे मेकअप करके थोड़ी कोई इंसान सोचता कि मेकअप कर लिया सूट वूट लगा लिए तो वो काम चलेगा, ना। कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो ना, खरबूजे को खरबूजा देके रंग पकड़ता है। अगर मैं इस वक्त मैं हार मान लूँगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उग्रवादियों का डर है, मुझे कोई ऐसा मैं बिना बॉडीगार्ड के घूमती हूँ कोई भी मुझे मार डालेगा, मुझे कोई डर नहीं। ये प्योर पैशन होगा ये, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता ना, क्योंकि ये अशोक जी का कॉल है, क्रिएटिव मतलब डायरेक्टर वो है, वो किस तरह से कन्विंस करेंगे किसी एक्टर को कैसे मतलब इस फिल्म पे लाए, ये उनका मतलब ये उनका है, तो ये स्क्रिप्ट बोलती है, एक तो स्क्रिप्ट पे काम है, और इनकी जो जर्नी है रुखसाना जी की, और मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ अनाउंसमेंट है, और अब ये हमारे लिए बहुत मतलब हम लोग खुशकिस्मत है कि ये पिक्चर हमें बनाने मिल रही है, हमारे नसीब में आई है, और इससे अच्छा कोई पल नहीं है हमारे लिए कि हम लोग ये फिल्म अनाउंस कर रहे हैं कि इसकी बायोपिक बन गई है। तो ये जस्ट रुखसाना, जैसे अशोक जी ने भी बताया कि ये टाइटल ही इतना बड़ा है,
ये हीरोइज्म टाइटल है, इसको चेंज करना मतलब हमें नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ें होती है, कभी किसी का कॉल होता है, डायरेक्टर का कॉल होता है, क्रिएटिव कॉल आता है, तो वो अलग बात है, बाकी हमारे लिए सब ठीक है। हाँ, अपने आप में, बिकॉज हमारे लिए आज की रेट में हीरो हमारे लिए हीरो रुखसाना, बस हमारे लिए और कोई कुछ नहीं। तो उससे बेहतर, उससे पावरफुल टाइटल अभी मेरी नज़र में नहीं है, हो सकता है अगर फ्यूचर में कुछ आए तो हम डेफिनेटली अपडेट करेंगे। क्या प्लान है, कब टूर पे जा रहे हैं? हम तो जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं, जैसे हमारा बाकी प्रोसेस कंप्लीट होगा हम जल्दी से जल्दी टूर पे जाएंगे। थैंक यू।